अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विक्रम, तुम ये चाकू मेरी तरफ क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं, उस पर हमला कर रहा हूं जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। उसे तो मैं मारूंगा ही ना, उसी को मारने की टारगेट प्रैक्टिस कर रहा हूं। हट जाओ वरना तुम्हें लग जाएगी। रुको, तुम बीच में क्यों आ रही हो? वैसे तो पुरानी मैग मर चुकी है ना, तो एकांश के लिए हमदर्दी क्यों? वो मैं मिस्टर अग्निवंशी के साथ हनीमून पर जा रही हूँ। क्या? हाँ, मिस्टर अग्निवंशी चाहते हैं कि मैं उनके और तिशा के साथ उनके हनीमून पर जाऊं। और मैं और क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे तुम पागल हो गई हो? ये शादी जो हम लोग कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी बेइज्जती सहने के लिए नहीं। और तुम उन दोनों के साथ जाकर करोगी क्या? खामखा तिशा के हाथों जलील होना चाहती हो? बोलो, अरे लोग हंसेंगे तुम पर। सच कहूं तो मुझे बेइज्जती का डर नहीं है। तो फिर क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? ये पुरानी महक के कपड़े जलाना और वो सब करना, वो सब क्या नाटक था तुम्हारा? बस महक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम वहां जाओगी तो वो सब क्या होगा? और तुम चुप करो। अब क्या तुम पहले मेरी पूरी बात सुनोगे? कब से मेरी बात बीच में काट रहे हो? वो असली वजह मिस्टर अग्निवंशी के साथ जाने की वो पेन ड्राइव है। मैंने वो पेन ड्राइव मिस्टर अग्निवंशी के पास देखी है। आखिरी बार पूछ रहा हूं महक, मेरे साथ चलोगी या नहीं? हाँ, मैं आ रही हूं आपके साथ। और वो पेनड्राइव एक जरिया है जिससे मैं अपनी माँ और बहन को आजाद करवा सकती हूँ। लेकिन वो पेनड्राइव एकांश के पास कहां से आई? जरा सोचो, जब मैं किडनैप हुई थी तब तक वो पेनड्राइव मेरे पास ही थे और उसके बाद खो गए। तो हो सकता है कि वो हुडी वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर अग्निवंशी हो। वो सामने नहीं आ रहे, किसी और से अपना काम करवा रहे हो और उसी इंसान ने वो पेनड्राइव मुझसे लेकर उन्हें दे दी हो। लेकिन एक सेकेंड, उसने तुमसे दूर जाने का प्लान क्यों बनाया? और महक, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पेनड्राइव शायद वो वाली पेनड्राइव नहीं हो जो तुम सोच रही हो, शायद कोई और हो जिसमें उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई। मैं उस पेनड्राइव के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैं मिस्टर अग्निवंशी के साथ हनीमून पर जा रही हूँ। अब मेरे पास यही एक रास्ता है, मेरी माँ और निहारिका दी को बचाने का। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। लेकिन एक सेकंड, इसकी क्या गारंटी है कि वो एकांश पेन ड्राइव लेकर जाएगा हनीमून पे? वो तो रख के भी जा सकता है ना। ये जो कुछ भी हो रहा है उस पेन ड्राइव के लिए ही हो रहा है। और जितना मैं मिस्टर अग्निवंशी को जानती हूँ, वो ऐसी जरूरी चीज अपने साथ ही लेकर जाए। जैसे कि तुम। सॉरी, मैंने थोड़ा तुमसे रूडली बात की है। और अगर तुम मेरे साथ आओगे तो हमारी दिखावे की शादी पे किसी को शक भी नहीं होगा। से कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए? विक्रम। हाँ ठीक है, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। आप भैया भाभी के प्री हनीमून से पहले हम सब एक सेल्फी ले लें। आइए सब लोग आइए। आप भी आओ ना भैया।
आप अभी भी मुझसे गुस्सा हैं? मां, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है। गुस्सा नहीं, परेशान। इस खतरनाक लड़की के साथ तू बिना कुछ जाने जा रहा है, ये पता भी नहीं रही है कि तुम लोग जा कहां रहे हो। तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, नाराजगी नहीं। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप मेरे दुश्मनों की चिंता कीजिए। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपने एक आवत सुनी है ना, अपने दोस्तों पर नजर रखो और अपने दुश्मनों को अपने करीब। मैं बस वही कर रहा हूं। चौटाला, चाबी दो मुझे। प्लान मेरा है तो गाड़ी भी मैं चलाऊंगी। गाड़ी के सिलेंडर में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपने दिक्कत होगी। विकांश, गाड़ी में बैठ जा, ऋषभ वेट कर रहे हैं। एकांश आओ ना। आ गया। गुड मॉर्निंग गाइस, लेट्स गो। विक्रम, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ए हाँ हाँ, हम भी तो आ रहे हैं हनीमून पे तुम्हारे साथ, मैं और मेरी पत्नी। चलो। ये तो अच्छी बात, शादी एक साथ हुई है तो हनीमून भी एक साथ ही होना चाहिए। तो सब क्या कर रही हो बैग के पीछे? रिसा रुको, मैं हटो वहां से। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।